गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इसके 3। ए फ्यू डे लाटर बिरजू मीट्स हीरा इन ए विलेज। कुछ दिन बाद बिरजू जो है हीरा से गांव में मिलता है। बिरजू, हीरा, आई नीड सम मनी फॉर डेली नीड्स, लेट्स गो एंड टेक आउट सम मनी फ्रॉम द पिट। मुझे डेली नीड्स के, जो बिरजू कहता है किससे, हीरा से, मुझे रोज़ाना की कार के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है, आओ चलें और कुछ पैसे उस गड्ढे से निकाल लें। श्योर, हीरा कहता है श्योर, आई टू नीड टू टेक आउट सम मनी, लेट्स गो नाउ, मुझे भी आवश्यकता है पैसे की, आओ चलें। स्क्रीन फोर, इन द आर्चर्ड, बगीचे में डैडी ओपन द पेट, वे खोलते हैं गड्ढे को। देसी एंड एम्प्टी बैग, वे देखते हैं उसमें एक खाली बैग। बिरजू शाउटिंग, द मनी हैज़ बीन स्टोलन, जो पैसा है वो चुरा लिया गया है। टर्निंग एंग्रीली टू हीरा, हीरा की तरफ देखते हुए, यू थीप, तुम चोर हो, यू हैव स्टोलन द मनी, तुमने पैसा चुरा लिया, कम ऑन, गिव इट बैक टू मी, यू कांट टेक माई शेयर, मुझे दो, आओ मुझे दो मेरा शेयर। हीरा, ए वेट बिरजू, आई हैव नॉट स्टोलन द मनी, डोंट इंसल्ट मी, आई एम नॉट ए थीप, मैं चुराया पैसा नहीं हूँ, मुझे बेइज्जत मत करो, मैं चोर नहीं हूँ। बिरजू, बिरजू कहता, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो, ओनली यू नो अबाउट दिस पिट, केवल तुम ही जानती थी इस गड्ढे के विषय में। गिव मी माई शेयर एंड आई विल टेक यू टू द विलेज चीफ, तो अथवा मैं तुम्हें गांव के मुखिया के पास ले चलूँगा। हीरा, फाइन, लेट द चीफ डिसाइड, चलो चीफ ही डिसाइड करेंगे, गाँव के मुखिया ही। दे गेट गो टू द विलेज चीफ, वे विलेज चीफ के पास जाते हैं। ही लिसन टू देम, वो उनकी सुनता है। एंड थिंक ऑफ द वे टू फाइंड आउट हु इज द फर्स्ट, हु इज द थीफ, और पता लगाते हैं कौन सा तरीका, कैसे उस चोर का पता लगाएं। जब बिरजू मेक्स ए सजेशन, बिरजू एक सजेशन देता है। ही सेज, वह कहता है, ट्री गार्डेस वुड हैव सीन पर्सन हु स्टोल द मनी एंड माइट हेल्प देम, जो गार्ड की, जो पेड़ देवी हैं, वो इस चोर को देखी होंगी और वो हमारी सहायता करेंगी। द चीफ डिसाइड टू गो टू आर्चर्ड नेक्स्ट डे टू हियर व्हाट ट्री गार्डेस हैड टू से, जो चीफ थे निर्णय करते हैं अगले दिन जाने के लिए सुनने कि वो क्या ट्री गार्डेस कहती हैं। एट नाइट बिरजू टेल्स हिज फादर्स प्लान, रात में बिरजू अपने पिता को प्लान बता देता है। उसके बाद स्क्रीन फाइव, द नेक्स्ट मॉर्निंग बिरजू हीरा द विलेज चीफ एंड अदर विलेजर्स ऑन इन द आर्चर्ड, अगली सुबह बिरजू हीरा विलेजर्स चीफ जो होता है और गांव के लोग उस आर्चर्ड में पहुंचते हैं। चीफ, ओ ट्री गार्डेस टेल अस हु स्टोल द मनी फ्रॉम द पीट बीनीथ यू, ओ पेड़ की देवी, हमें बताइए कि कौन जो है इससे पीठ से जो है पैसा चुराया है। वॉइस फ्रॉम द ट्री, हीरा, हीरा, ऑन हियरिंग दिस द विलेज चीफ वंडर हाउ द थीफ मे बी वनिश्ड, अब ऐसा सुन करके जो विलेज के लोग थे, विलेज चीफ थे, वो आश्चर्यचकित, कैसे एक चोर को पनिश किया जाए, कौन चोर है पता नहीं चलेगा, एक वॉइस कैसे, एक वॉइस के द्वारा वो थोड़ा सा भ्रमित हुए। एवरी वन एल्स हाउ एवर इज शॉक टू हियर द ट्री टॉकिंग, प्रत्येक लोग जो गांव के लोग थे वहाँ सुन करके अचंभित हो गए इस बात को कि एक ट्री बात कर रहा है। नोबडी सी हीरा, कोई भी हीरा को नहीं देखता है, लेइंग ड्राइंग स्टिक एंड लिप्स अराउंड द स्पीकिंग ट्री, कि हीरा जो है पेड़ के चारों तरफ ड्राई सूखी हुई लकड़ियाँ, स्टिक्स, छड़ी, मतलब टहनियों को लेकर के और पत्तों को लेकर के उस पेड़ के चारों तरफ फैला रहा है और उसमें आग लगा दिया। द फ्लेम्स ऑफ फायर रीच द ट्री, अब जो होता है फायर की जो फायर की फ्लेम थी, ज्वाला थी, जो भवक जो आग लगी थी वो उठने लगी, तो अब जो होता है ट्री के पास पहुंच गई। वॉइस फ्रॉम, ओ हेल्प हेल्प, आई एम बर्निंग, हेल्प, मैं जल रहा हूँ, मेरी सहायता करिए। द ट्री, रतन फॉल्स आउट द हॉलो ट्रंक ऑफ द ट्री एंड बैडली बर्न, अब जो होता है जो रतन था उस ट्री के ट्रंक से, हॉलो ट्रंक जी थी वहीं छुपा था, उससे निकलता है और बैडली बर्न और काफ़ी जला हुआ है। चीफ, ओ सो यू प्रटेंडेड टू बी द ट्री गॉडेस, तुमने बहाना किया था गार्ड की ये पेड़ का देवी होने का। यू डिजर्व द पेनफुल बर्न्स ऑन पनिशमेंट, अजय पनिशमेंट तुम डिजर्व करते इस पेनफुल बर्न्स का, जैसे कि पनिशमेंट का। नाउ टर्निंग टू बिरजू, टर्निंग की तरफ, इट इज़ टाइम टू पनिश रियल थीफ, यह समय आ गया है कि कौन रियल थीफ है उसको पनिशमेंट देने का।